के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। और इंडियन स्टूडेंट के मोबाइल तोड़ दिया गया और इंडियन स्टूडेंट को पूरा गंदा गंदा गाली यूक्रेनियन भाषा में दिया गया। हम आपको निकालेंगे निकालेंगे, हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पिछले 5 दिन से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन पर जैसे जैसे रूस अपना शिकंजा कसता जा रहा है, वैसे वैसे वहां फंसे हजारों भारतीय नागरिकों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यूक्रेन में फंसे कुछ भारतीय नागरिक भारत वापस आ चुके हैं, लेकिन अब भी हजारों की संख्या में यूक्रेन में भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनके सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई भारतीय छात्राओं ने हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। और कुछ वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें यूक्रेन की सेना द्वारा भारतीय छात्राओं के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आई हैं। इन सभी मामलों को देखते हुए भारत सरकार को जल्द से जल्द यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत वापस लाना होगा। दोपहर के 2 बजे कल से निकले हैं, अभी तक कोई कॉन्टेक्ट नहीं हुआ। इससे अच्छा तो साला मर जाते हैं हम लोग। और इंडियन स्टूडेंट के मोबाइल तोड़ दिया गया और इंडियन स्टूडेंट को पूरा गंदा गंदा गाली यूक्रेनियन भाषा में दिया गया। 3 दिन से आए हुए हैं, 3 दिन से इंडियन एम्बेसी ने बोला हम आपको निकालेंगे निकालेंगे, हर 5 मिनट में यहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, कल पूरी रात की में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। अब इंडियन एम्बेसी को बोल रहे हैं कोई बात तक करने को आने के लिए तैयार नहीं है, ये लोग जो भी आ रहे हैं बोल रहे अपनी रिस्क पे निकल जाओ बाहर, ऐसी सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है कि 5 मिनट में आप लोग खड़े रहो। खाना दे रहे ये लोग 10 लोगों के बीच में एक प्लेट, वो हम लोग मैनेज कर रहे हैं, खाना पीना हर चीज मैनेज कर, बट एटलीस्ट इवैक्यूएशन का कुछ तो बात करें। सबसे अनसेफ सिटी है कीव, जिसमें अभी इंडियन एम्बेसी के पास 500 बच्चे हैं और इंडियन एम्बेसी बोल रही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, बोल रहे निकल जाओ। 40 बच्चों को निकाला है इन लोग ने इंडिया के एक फ्लाइट से, और न्यूज में दिखा रहे कि ये लोग सबको निकल गया। क्या कर रहे हैं ये लोग बैठ के? इसी के एग्जीक्यूटिव पहुंचे और वो चाह रहे कि जो स्टूडेंट्स है वो सब आए, पर यहाँ पे ऐसा सीन हो रहा है कि यहाँ से आगे पास ही नहीं होने दे रहे किसी को। हमें बोला गया था कि हम रोमानिया बॉर्डर पे, हम यहाँ पे आए तो कल सुबह 3 बजे से यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और अभी शाम के 7 बजे रहे हैं। और आप सिचुएशन देखो तो सिचुएशन क्या है, यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो रही है, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट है, काफी ज्यादा यहाँ पे यूक्रेन लोग भी है, काफी इंडियन स्टूडेंट भरे पड़े यहाँ पे, 5000+ स्टूडेंट यहाँ देखो तो कितनी भीड़ लगी पड़ी है, 5000+ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे एम्बेसी का एक स्टाफ नहीं है, जो एम्बेसी से हमें नंबर मिले थे उन नंबर पे कॉल करने पे वो लोग हमें कुछ ना ही कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही कोई मैसेजेस का रिप्लाई हो रहा है। ये बोला गया बहुत परेशान होकर होगी और हम लोग को पास करेगी, वाटर पास करेगी, लेकिन कोई भी मेम्बर जो है यहाँ पे दिख नहीं रहा है। कल सुबह 3 बजे से हम लोग खड़े हैं और यहाँ अभी तक हम लोग बॉर्डर पास नहीं कर पाए, उनको कितना भी बोलो गिर रहा हो लेकिन ये लोग गेट खोल नहीं रहे। इंडियन गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई हेल्प नहीं है, ये सारी बातें केवल हम लोग फंसे हुए यहाँ पे। जो हमारा हालत है -5 अभी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई लेना देना नहीं है।